तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है बेसिकली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में DBMS कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है हमें एक फैसिलिटी देता है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम इजीली कर सकते हैं डेटाबेस पर, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें ये सारी फैसिलिटी दे उसको हम एक DBMS सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म, यानी कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के अमल को हम डेटाबेस कहते हैं। देखिए, ये बात आप समझ लें, ये तो मुश्किल अल्फाज नहीं है। देखिए, डेटाबेस क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने को डेटाबेस कहते हैं। DBMS क्या है? जो हमें डेटाबेस बनाने की फैसिलिटी देता है वो DBMS है, दैट्स ऑल। और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो एक्सेल और एक्सेस में क्या फ़र्क है? देखिए, एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी हम डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन जितना ऑर्गेनाइज तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कर सकते हैं उतने ऑर्गेनाइज तरीके से हम एक्सेल में नहीं कर सकते। जैसे एक्सेल में आप रिकॉर्ड तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उसको फाइंड करना, उसके बीच में एक नया रिकॉर्ड ऐड करना और उनको रीअरेंज करना, ये एक बड़ा मुश्किल अमल है। यानी कि एक्सेल हमें डेटा, एक फ्लैट डेटाबेस है, मतलब फ्लैट से मतलब एक सीधी शीट है जिसके ऊपर हम डेटा डालते जाएं, अपडेट करते जाएं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस थोड़ा एक्सेल से एडवांस है। इसमें हम डेटा वर्कशीट्स पे ऐड नहीं करते, बल्कि हम मल्टीपल टेबल्स में ऐड कर सकते हैं और उन मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट बना सकते हैं, और फिर उसी को यूज करके हम अब एक सॉफ्टवेयर की शक्ल भी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एलिमेंट्स कितने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो एलिमेंट्स हैं वो ये सब हैं: टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, माइक्रो मॉड्यूल्स। यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डील करेंगे तो आप इन सारे एलिमेंट्स को गो थ्रू करेंगे और इन्हीं से मिलकर बनेगा डेटाबेस, और उसी के अंदर वो स्टोर होगा आपका सारा डेटा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक इज अ स्मॉल लेवल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल होता है क्रिएट एडिट स्मॉल एप्लीकेशंस बनाने और उनको एडिट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें टेबल क्या है? तो टेबल क्या होता है? टेबल इज द हार्ट ऑफ डेटाबेस। अब यानी कि जो हम डेटाबेस बनाएंगे उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होगा वो टेबल होगा, और टेबल क्या होता है? इज द हार्ट ऑफ डेटाबेस विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड इट स्टोर ऑल द डेटा। टेबल के अंदर क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं और उसी में हम सारा डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। एक्सेल की तरह वर्कशीट्स के ऊपर हमारा डेटा इसमें सेव नहीं होगा। तो टेबल में हम क्या करते हैं? सेट करते हैं फील्ड्स को, फिर उसके अंदर पर्टिकुलर फील्ड में डेटा को ऐड करते हैं, और वो फील्ड को हम क्या कहते हैं? कॉलम। जबकि एक रिकॉर्ड जो पूरा हम डाल देते हैं तमाम फील्ड्स में तो वो बन जाता है वन रिकॉर्ड या टपल, ठीक है। टपल क्या होता है?